हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति राठौर आगरा ब्लॉगर में। और टाइम बता देती हूँ, अभी सुबह के 11 बज रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने आज मशीन में इसलिए कपड़े नहीं धोए क्योंकि थोड़े से कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने कि हाथ से वॉश कर लूँगी। और मशीन में अगर धोने होते हैं तो मैं सुबह ही मशीन लगा लेती हूँ। और अब तो 11 बज गए, टाइम भी ज़्यादा हो गया। और मशीन में आप सबको पता है कि टाइम तो लगता है धोने में, और सारा काम हो चुका था मेरा। फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों को नहला भी देती हूँ, तो मैंने बच्चों को नहलाया, उनके और भी कपड़े उतर गए थे। फिर इतना मन किया कि चलो इतने कपड़े धुल रहे हैं, तो फिर चलो उनकी जो जाकेट है वो भी हाथ से ही धो के डाल देती हूँ। थोड़ी बहुत मेहनत लगेगी तो कोई नहीं, धो देते हैं। और यहाँ पे गर्म कपड़े रखे थे, ऊनी कपड़े थे, तो वो मैंने हाथ से जल्दी साफ़ हो जाते हैं। ऊनी कपड़े तो वैसे भी जल्दी हाथ से साफ़ हो जाते हैं, उन्हें रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस केशव का एक पैंट था और नकुल का एक पैंट था जीन्स का, तो उनमें ही ब्रूस लगाया था मैंने, और दो जैकेट थी बस, और किसी में भी ब्रूस नहीं लगाया मैंने। बाकी कपड़े तो ऐसे ही हाथ से मसल के धोए हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर ऊनी कपड़े होते तो फिर मुझे अच्छे लगते हैं ऊनी कपड़े धोने में, तो क्योंकि वो गंदे नहीं होते ना ज़्यादा। और हो भी जाते हैं क्योंकि अंदर पहनते अगर हो भी गए बाई चांस, तो फिर वो जल्दी साफ़ भी हो जाते हैं। और वैसे भी जीन्स की पैंट ये नहीं पहनते, बस नकुल की है और केशव की है, तो बस इनकी ही मुझे। और ये ज़्यादा गंदी करते भी नहीं है, मतलब इनकी डेली डेली चेंज भी कर देती हूँ, भले ही नहलाते नहीं हो तो कपड़े चेंज तो हो ही जाते हैं, ताकि ज़्यादा गंदे ना हो तो मुझे ही ज़्यादा मेहनत ना लगे धोने के लिए। इसीलिए मैंने आज मशीन में नहीं धोए थे, कम कपड़े थे। और वैसे भी मन के ऊपर बात होती है, अगर मन करता है तो मशीन में धो लो, नहीं मन करता तो हाथ से भी धो लो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। लेकिन मशीन में थोड़ा जल्दी काम हो जाता है, और हाथ से तो फिर अगर एक ही कपड़े लेकर बैठना पड़ता है। और मशीन में क्या होता है कि अपनी वॉशिंग मशीन लगा दो कपड़े धोने के लिए, बाकी का दूसरा काम करते रहो, तो फिर मतलब जल्दी जल्दी निपट जाता है काम फटाफट से। और हाथ से बस यही होता है कि अगर एक काम लेके बैठ जाओ तो बस वही निपटेगा, बाकी दूसरा काम नहीं हो सकता। पर लेकिन ये भी होता है कि भाई बिजली का बिल भी होता है, बहुत सारे काम होते हैं फिर वॉशिंग मशीन में। तो यहाँ पर मेरे मतलब जल्दी जल्दी हो जाएंगे और वॉश करने के बाद, लेकिन सुखाऊँगी मैं मशीन में ही। और आज धूप तो निकली नहीं है। तो आज रात में हो गई थी बारिश, तो धूप का कोई भरोसा नहीं है, निकले ना निकले क्या भरोसा। और सर्दियों में बहुत दिक्कत आती है कपड़े सुखाने के लिए, और भले ही वॉशिंग मशीन में सुखा लो फिर भी धूप लगाना तो होता ही हैगा। अगर धूप ना निकालो लगाओ कपड़ों में तो अजीब सी स्मेल सी आने लगती है। तो चलिए फिर, कैसा लगा आप सबको ये वीडियो? अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना। और बेल आइकन से क्या होता है कि जो मेरी न्यू वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास आएगी। और ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता। टूटी है, टूटी। ते पाड़ी है। तब कर ली थी। अब वो ते तली है।
तो अभी आप सबने देखा केशव लूडो कैसा खेल रहा था बड़ी मस्ती से, और वो 2 तारीख का वीडियो था रात का, आज 3 तारीख है और केशव अभी भी सो रहा है। आज सो गया, पता नहीं कैसे सो गया, दिन में सोता तो है नहीं है। बिस्किट मांगते मांगते सो गया कि बिस्किट खाना है, बिस्किट खाना है। मैंने कहा हाँ अभी दिलवाऊंगी, मैं कुछ कर रही थी शायद, या तो फ़ोन पे बात कर रही थी मैं किसी से, मैंने कहा अभी दिलवाऊंगी और ये सो गया। मैंने कहा चल अच्छा है, चलो सो गया ठंड में। और आज ठंड बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। मैंने आज भी पर्दा नहीं खोला अपना, काफ़ी ठंड बढ़ गई है। और टाइम अभी 4:15 का टाइम हो रहा है शाम के, तो और धूप भी नहीं निकली आज, धूप बिल्कुल नहीं निकली है बिल्कुल भी। और जो कपड़े सुबह धोए थे वो मेरे सूख चुके हैं, मैं लेकर भी आ गई, ऊपर से उतार के भी ले आई। और लेकिन तय नहीं किया अभी मैंने, अलमारी में नहीं लगाए, मन नहीं किया ठंड में। मैं भी बैठी हूँ कम्बल में आराम से, तो मैंने कहा कि बाद में लगा दूँगी, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, ठंड काफ़ी हो रही है। तो फिर बैठे हैं आराम से, खाना पीना सब हो गया है। और खाने में मैंने बनाया है आज लौकी की सब्ज़ी, जो कि दाल डाल के बनाते हैं, चने की दाल, घी या चने की दाल, और लौकी का रायता और चावल, जो कि मुझे बहुत पसंद है, लौकी का रायता और चावल और रोटी। और नकुल की तो भाई शाही पनीर रखा था, तो उसने तो उसी से काम चला लिया, पर मुझे इतना नहीं अच्छा लगता, तो मैंने आज लौकी का रायता और चावल खाया है, जो कि मुझे सच में इतना पसंद है कि रोटी ना दो मुझे वही दे दो, इतना पसंद है मुझे। और उसका उठने का टाइम हो रहा है अभी, ये उठ जाएगा ना, फिर वही चीज़ मतलब बिस्किट, वही बिस्किट खाना है, भूला नहीं होगा, मुझे पता है ये बिल्कुल नहीं भूलता, मांगेगा ज़रूर। तो मुझे मंगा के रखना अभी, कैसे दे दूँगी ताकि ये आराम से खा लेगा, दूध से दे दूँगी तो पेट भी भर जाएगा। तो कैसी लगी आप सबको वीडियो, अगर थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन जरा दबा देना, ठीक है, उससे नई वीडियो जो मेरी आएगी आपके पास ज़रूर आएगी। तो चलिए फिर वीडियो को एंड कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। पता नहीं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनने वाली है, जब तक के लिए बाय बाय।